जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके वास्ते ये तन है मन है और प्राण है, इसके वास्ते ये तन है मन है और प्राण है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम है। धर्म का यह धाम है, सदा इसे प्रणाम है, स्वतंत्र है यह धरा स्वतंत्र। भारत को अपना आत्मनिर्भर बनाने के लिए, नई नई ऊंचाइयों के ले जाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आज जहां वैज्ञानिक चंद्रमा पर पहुंच गए हैं, सतत रूप से हम नए भारत को बनाने में प्रयास कर रहे हैं। जब हिंदू समाज बलशाली और संगठित होगा, हिंदू समाज बलशाली और संगठित कब होगा? जब देश के अंदर हर मंडल और हर बस्ती से संघ नारे का जाल खड़ा होगा। और ये कब खड़ा होगा? जब हम में से लाखों लाख तरुण देश के लिए, समाज के लिए, संगठन के लिए समय देने वाला बनेंगे। इसके आन पे अगर जो बात कोई आ पड़े, इसके आन पे अगर जो बात कोई आ पड़े, स्वयं सेवक संघ के माध्यम से जो स्वयं सेवक देश भर में तैयार हो, सबके मन में एक प्रथम है का भाव। सब जहान हो विरुद्ध आसमान हो, मुकाबला करेंगे जब तक जान में ये जान है। से नहीं होगा तो अनुशासन भी चाहिए, उसके अंदर संवेदना भी चाहिए, समाज के दुख दर्द को दूर करने का भाव भी चाहिए। देश को 47 नागरिकों को भी सुरक्षित करने वाला भारत ही था। श्रीलंका को सहायता करने वाला, नेपाल को सहायता करने वाला, ऐसे सब प्रकार के संकटों में सहायता के लिए खड़ा रहने वाला देश भारत है। भाषा भारत की तरफ भाषा बल दृष्टि के लोग हजारों दंग यमुना झूमती, इसके गोद में हजारों दंग यमुना झूमती, इसके पर्वतों की चोटियां गगन को चूमती, इसके पर्वतों की चोटियां गगन को चूमती। भूमि ये महान है, निराली इसकी शान है, इसके जय पताक पे लिखा विजय निशान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके वास्ते ये तन है मन है और प्राण है, इसके वास्ते ये तन है मन है और प्राण है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है।